कोरोना जैसी महामारी से जूझने के बाद लोग आयुर्वेद चिकित्सा पर विश्वास करने लगे हैं। वहीं इससे जुड़ी पंचकर्म महत्वपूर्ण पद्धति बनकर सामने आ रही है। इसके जरिए लोग जटिल बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक करवा रहे हैं। इनमें जोड़ों के रोग, नेत्र रोग और गलत जीवन शैली से पनपने वाली बीमारियां भी शामिल हैं। अलवर के श्री पदम प्रभु जैन औषधालय में पिछले 1.5 साल में सैकड़ों लोग स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। आयुर्वेद आचार्य अनिल कुमार जैन ने बताया कि पंचकर्म के जरिए जटिल रोगों का उपचार भी किया जाता है। वहीं आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जो मनुष्य को प्रकृति के नजदीक लाने का प्रयास करता है। यहाँ श्री पदम प्रभु जैन औषधालय मेहताब सिंह के नोहरे अलवर पर लगभग विगत 1.5 वर्षों से पंचकर्म चिकित्सा चल रही है, जिसमें विशेष रूप से जानू बस्ती, कटी बस्ती, गिरीवा बस्ती, मात्रा बस्ती, इन सब का प्रयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, जिनको एक तरीके से आर्थराइटिस है, या अपन कहें कि जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है, L4, L5, S1, जिनको स्पेंडोलाइटिस है, उन सब के लिए, और विशेष रूप से आज के समय में अभी अपन लोग देखेंगे AVN या आँखों से संबंधित समस्या है, इन सब के लिए पंचकर्म का प्रयोग अनवरत रूप से यहाँ पर किया जा रहा है, और जिससे बहुत मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी AVN जहाँ एक तरीके से आदमी को रिप्लेसमेंट होता है ना, कि उसको विशेष रूप से कूल्हे का रिप्लेसमेंट होता है, और उसके लिए यहाँ पर लगभग 3 से 4 मरीज इन दिनों अपने यहाँ चलते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा अक्षी तर्पण यहाँ होता है आँखों से संबंधित बीमारियों के लिए। तो पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है कि जो एक आयुर्वेद का एक उपहार है, और हम सबको